अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा फायर ब्रिगेड स्टेशन के समीप रविवार की देर शाम मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार सहित दो लोगों को अत्याधुनिक हथियार से भून दिया। नगर थाना क्षेत्र के चंदवारा फायर ब्रिगेड स्टेशन के समीप रविवार की देर शाम अत्याधुनिक हथियार से लैस अज्ञात अपराधियों ने मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार सहित दो लोगों को भून दिया। इस क्रम में अपराधियों द्वारा कई चक्र चलाई गई गोलियों की तरतराहट से पूरा चंदवारा इलाका थर्रा उठा। घटना के तुरंत बाद ही यह खबर फैलते ही पूरे नगर में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस और नगर डीएसपी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आनंद फानन में घटनास्थल से दोनों मृतकों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व मेयर की गाड़ी को ओवरटेक कर समीर कुमार को गोलियों से भून दिया। इस घटना में पूर्व मेयर समीर कुमार के चालक की भी हत्या कर दी गई। घटना को लेकर नगर में सनसनी फैल गई है। स्थिति के मद्देनजर पुलिस प्रशासन चौकस और सतर्क है। धीरे धीरे गिर जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अपराधियों ने गोलियां मार दी है। दो व्यक्ति की उसमें हत्या हुई है। अभी हम लोग आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं करवाए हैं कि कौन लोग हैं। अभी गाड़ी का हम लोग एक्सीडेंट से जांच कराएंगे, तभी वो क्लियर हो पाएगा। खोखे भी मिले हैं? हाँ, अभी तो 6 बुलेट्स हम लोग का जो कार्ट्रिज है वो मिला है। क्या लग रहा है 40 हथियार वगैरह का प्रयोग? ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा हथियार ही है, लेकिन जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती है कहना मुश्किल। 47 की चर्चा लोग तो बोल रहे।